सरकार के आदेशानुसार आज से गेहूं खरीद का कार्य शुरू हो गया है। खरीद को लेकर सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं। वहीं पर अनाज मंडी आई लेबर के पास मास्क भी नहीं है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा। आज इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने इंद्री अनाज मंडी का दौरा कर खरीद संबंधी प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने गेट पास काउंटर पर जाकर अब तक आई सभी ट्रोलियों के विवरण को जांचा और कर्मचारियों को गेहूं लाने वाले किसानों को सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर संबंधी जानकारी देने के बारे में आदेश दिए। एसडीएम सुमित सिहाग ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले इंद्री में 3 खरीद सेंटर होते थे, लेकिन अब के बार 14 सेंटर बनाए गए हैं। एक दिन में सुबह के समय 25 व शाम के समय 25 यानी कुल 50 किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आएंगे। सिहाग ने बताया कि जिन किसानों को मैसेज जाएगा केवल वही किसान गेहूं लेकर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आढ़तियों, मार्केट कमेटी के अधिकारियों व कर्मचारियों को मंडी में आने वाले किसानों व लेबर को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने, मास्क पहनकर आने व अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहने के बारे में जागरूक किया गया। जैसा कि आपको पता है, आज गेहूं की खरीद का सीजन, गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए, कम से कम रखने के लिए यहाँ पर परचेज सेंटर बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर पहले 3 सेंटरों पर परचेज होती थी, अब 14 पर परचेज होगी और उनमें आढ़तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि वो अपने किसानों को अपने अपने परचेज सेंटर पर बुलाएँ, जहाँ पर भी उनको अलाट किया गया है। इससे ये होगा कि मंडी में भीड़ कम लगेगी और किसी प्रकार का संक्रमण फैलने की जो है उसका रिस्क मिनिमम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पहले की तरह से व्यवस्था नहीं रखी गई है। इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है। केवल जिस किसान को मैसेज या फ़ोन जाएगा, जिसकी बारी है, जिसकी टर्न है, केवल वही यहाँ पर अपनी फसल लेकर आ सकता है। उसी को गेट पास मिलेगा और उसी की गेहूँ को अंदर आने दिया जाएगा। की शुरुआत है तो आज 20 तारीख और कल 21, इसमें किसानों की संख्या को थोड़ा कम रखा गया है ताकि किसानों को, आढ़तियों को और स्टाफ है वो इस नई व्यवस्था से भली भांति परिचित हो जाए। तो आज ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अनाज मंडी में खड़े हैं। तो यहाँ पर मंडी, इस मंडी में, इस पॉइंट पर आज मॉर्निंग शिफ्ट के 25 और इवनिंग के 25 यानी 50 किसानों को बुलाया गया है और जो छोटे परचेज सेंटर बनाए गए हैं वहाँ जितने भी आढ़ती हैं, प्रत्येक आढ़ती के हिसाब से 1 या 2 किसान को बुलाया गया है। सख्त हिदायत दी गई हैं कि किसी भी आढ़ती की लेबर या किसी भी जो आढ़ती खुद है वो, या किसान, वो बिना मास्क सैनिटाइज़र के नहीं आएगा। तो गेट पर ही मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था के लिए इनको बोला गया है और अंदर जो जितनी भी लेबर काम कर रही है उसको 1 मीटर का डिस्टेंस भी रखना है और साथ में मास्क भी लगाने हैं। जो भी आढ़ती या कर्मचारी जो है मंडी का अगर ऐसा नहीं फॉलो करता है तो उसके खिलाफ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.